इस वक्त इंदौर से खबर मिल रही है, जहां इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इंदौर के छत्रीपुरा थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है जीतू पटवारी के खिलाफ। बता दें आपको कि अपने ट्विटर अकाउंट से जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिस पर बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी। और कल देर रात की ही बात है, शनिवार को जब बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल इंदौर के डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र से मुलाकात करने पहुंचा, उन्हें ज्ञापन सौंपा और इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात की थी, जिसके बाद अब उनके खिलाफ यानी जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि विवाद बढ़ने पर जीतू पटवारी ने जरूर अपने ट्विटर से वो पोस्ट डिलीट किया, लेकिन एक बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने जिस तरह शिकायत की, और अब और ये तस्वीरें देखिए आप, ये देर रात की हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मिला डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र से शिकायत की। हम रुक करेंगे पीयूष पारे, हमारे संवाददाता इस वक्त आप फोनलाइन पर जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है? जीतू पटवारी जो अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर, बयानों को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में रह रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी की भी नाराजगी। देखिए बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से ये ट्विटर पर उन्होंने ये पोस्ट यहाँ पर की थी, उसके बाद में लगातार सियासी बवाल मचा, और बवाल इस तरह से मचा कि तमाम बीजेपी के नेता डीआईजी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। और उसके बाद में यहाँ पर पूरे मामले में पुलिस ने जांच करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर के छत्रीपुरा थाने पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। दरअसल उनको आरोप है कि उन्होंने एक तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीएम मोदी को लेकर जो ट्वीट किया था, उससे कहीं ना कहीं जो है वो भावनाएं आहत भी होती, इस तरह से भी उन पर आरोप लगे हैं। दूसरा, फोटो को यहाँ पर काट छाट कर भी ट्विटर अकाउंट पर यहाँ पर पोस्ट किया गया, ये भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप है। पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहरहाल दीपक, जिस तरह से इस ट्वीट को लेकर यहाँ पर अब जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसके बाद में अब कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सियासत और ज्यादा गर्माएगी। एक तरफ बीजेपी ने पूरी तरह से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, तो वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से भी कहीं कहीं बीजेपी को यहाँ पर निशाने पर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जीतू पटवारी की ये मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है बीजेपी की शिकायत के बाद, और जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद बीजेपी की एक नाराजगी सामने आई।